बिस्मिल रेडी फॉर दिज का सबसे पहली बात के इंटरव्यू आपको पता है स्पेसिफिक लोकेशन पे होंगे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर कराची और इस्लामाबाद मेनली ये तीन जगह हैं कि जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं और वो इंटरव्यू लोकेशन वही होगी जो आपको आपने जो सिलेक्ट की हुई है तो नॉर्मली जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं कई वाई स्कॉलरशिप्स के जो जो इंटरव्यू हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ में हो चुके हैं पाकिस्तान में भी अनकरीब Uh, होने वाले हैं तो उन uh, उसका फॉर्मेट क्या होता है कैसे आप उसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं या कैसे आपको जो है वो डिपार्टमेंट वही मिल सकता है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन हैं ये उन uh, बच्चों के एक्सपीरियंस के बेस पे हैं जो हमारे स्टूडेंट थे और वो इंटरव्यू में गए और उन टेस्ट में अपियर हुए और उनको स्कॉलरशिप मिली भी सही और आज वो टर्की में पढ़ भी रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी वो आप लोग जाएंगे इंटरव्यू वाले दिन तो वो आपको एक क्वेश्चन पेपर देंगे जिसमें आपने जो है वो सिम्पल उसको सॉल्व करना है वो छोटा सा एक टेस्ट होगा लेकिन टेस्ट जो है वो आपने उस टेस्ट में भी अच्छे नंबर लेने हैं तो उस टेस्ट में क्या होगा एक तो उस टेस्ट में जो है वो आई क्यू के क्वेश्चन होंगे और दूसरा जो है वो सिंपल मैथ टाइप क्वेश्चन होंगे आप ये कह सकते हैं कि जो टर्की का एग्जाम है वाई यू एस वाई यूस टाइप के क्वेश्चन होंगे लेकिन वाई यू एस जितना लेंथी पेपर नहीं होगा वाई वैस तो कोई सौ नंबर का पेपर होता है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह के होंगे और आपको आने चाहिए लट से के मैथमेटिक में अगर मैं बात करूँ तो रेशियो से रिलेटेड लॉग के क्वेश्चन या सिंपल साइन थीटा कॉज थीटा इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको लहर से किसी चीज का एरिया फाइंड करना है किसी चीज का पेरीमीटर फाइंड करना है तो ये आपको या ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो गए तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए आई में वो ऑलरेडी मैंने दो तीन वीडियोस अपलोड की हैं कि जिनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है वो टर्किश जो है वो किस किस्म के आईक्यू के क्वेश्चन पूछते हैं हम क्योंकि सिंपल इनको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपने वाकई स्कॉलरशिप को गेन करने तो टेस्ट के बाद वो आपका एक रिजल्ट सा बन जाएगा उसमें आपके मार्क्स भी लिखे होंगे तो इंटरव्यू कमेटी होगी पूरी जिसमें ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर की सहूलत भी मौजूद होती है और अगर आप टर्किश आती है आप टर्किश में भी बोल सकते हैं इंग्लिश में भी बोल सकते हैं तो आपने इंटरव्यू कमेटी को कुछ चीज़ों पे सेटिस्फाई करना है ताकि आपको वही डिपार्टमेंट दें या आपकी सिलेक्शन वो कर सकें कि जो आपने जो वहाँ पे जो डिफरेंट आपको याद हो जब आपने एप्लीकेशन फिल की थी तो आपने डिफरेंट च्इस लिखी थी लेट्स से कि आपने इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट चॉइस में लिखी है बासफोरास दूसरे में लिखी है अनकरा तीसरे में लिखी है इजमीर चौथे में लिखी है पाँचवें में आपने त्रैप जोन लिखा है तो आप उनको कैसे सैटिस्फाई करोगे कि आपकी इतनी पोटेंशियल है कि आपको रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट दिया जा सके या वो डिपार्टमेंट दिया जा सके जिसका आपको शौक है तो जब भी इंटरव्यू शुरू होता है तो किसी भी इंटरव्यू लेवल पे मैक्सिमम यही फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं अपने बारे में बताएं अपना बैकग्राउंड बताएं अपनी स्टडी के बारे में बताएं तो आपने यहाँ पे बड़ी पोलाइटली जो है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अपना नाम अगर वो अपना नाम ही बताना है अगर वो बाकी इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि आप कौन से सिटी से हो वो भी बता दें अपने स्कूल का बता दें साधे बता दें आपकी पोजीशन क्या आई है और अगले जो सवाल होंगे वो भी इसी तरह के होंगे और एक इम्पोर्टेंट जो सवाल होगा कि वाई यू हैव चूजन गिवन डिपार्टमेंट के आपने ये डिपार्टमेंट क्यों चूज की है सपोज के आपने एम बी बी एस लिखा हुआ है वहाँ पे तो आप वहाँ पे आपका जो एम बी बी एस है आपके वहाँ पे जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है मार्क्स होने चाहिए नाइन्टी प्लस तो आप वहाँ पे उनको सेटिस्फाई करोगे कि देखिए मैं मेरे मार्क्स भी हाई हैं मेरा इंटरेस्ट भी प्री मेडिकल में है एफ एस सी में या हाई स्कूल में मैंने बायोलॉजी रखी हुई है बायोलॉजी में मेरी अचीवमेंट है और मेरा एक एम है कि मैं किस तरह डॉक्टर बन के जो है वो लोगों की हेल्प कर सकूँ ये लेकिन आपने एक प्रॉपर जो है वो उसका आंसर बनाना है Uh, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि वाई यू वांट टू स्टडी इन टर्की तो यहाँ पे जो है आपको वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए आप कोई मतलब एक कि चुनीदा जुमले इस्तेमाल करें ये डायरेक्टली ये बात ना करें कि मुझे जो ये जो है टर्किश सीरियज पसंद है ये वो आप पहले अपना एक बैकग्राउंड बनाएं कि टर्किश जो टर्की जो कॉम है वो रिच इन कल्चर है रिच इन हिस्ट्री है और जो बड़े फ्रेंडली और जो मुसाफिर परवर लोग हैं वो लोग ठीक है तो आप इस तरह बैकग्राउंड बनाएंगे तो आप उसके बाद के मैं इन लोगों के दरमियान वह रह कर स्टडी करना चाहता हूँ इनके रिच कल्चर से रिच हिस्ट्री से और इनके जो है वो मेहमान नवाजी से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और टर्की इज़ मोर एडवांस्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कंपेरिटिवली फ्राम पाकिस्तान इज़ वेरी हाई तो मेरा एक एम है कि मैं एक अच्छी जगह पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकूं तो आपने फिर बताना है आपकी अचीवमेंट्स और इंटरेस्ट पे सवाल हो सकते हैं कि लड़से के आपकी हॉबीज़ का पूछ सकते हैं तो कोशिश करें अगर अचीवमेंट आप वही बताएं जो आपने लिखी हुई है या कोई एक्स्ट्रा भी उसके बाद आपने लिए हैं तो वो भी लिख दें कि से कि मेरा जो है फलां टेस्ट में एक अच्छी पोजीशन आई है मैंने बोर्ड की पोजीशन ली है मैंने स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम है उसमें पोजीशन ली है मैं टेक्नोफेस्ट प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था वगैरह वगैरह इंटरेस्ट में हॉबीज में ऑलरेडी आपने हॉबीज भी लिखी हुई हैं बुक रीडिंग अगर आपने की है बुक रीडिंग बता दें क्रिकेट बता दें फुटबॉल बता दें या कहीं पे आप वॉल्टियरली वर्क किया है तो वो बता दें तो मैक्सिमम ये है कि आप स्पेसिफिक रहें इसको इजी ना लें क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू स्टेज पे भी रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है ये बेसिक चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए अगर आपने वहां पे इंटरव्यू में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है तो योज से रिलेटेड आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है तो हम आपको दे देंगे लेकिन आपको बड़ा सीरियस वे में अगर आप वाकई वहां पे पढ़ना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने इंटरव्यू की बार बार प्रैक्टिस करें पर्सनैलिटी इंप्रूव करें आ, बड़े तैयार होके जाए इंटरव्यू में बिल्कुल यानी सिंपल प्लेन क्लॉथ वगैरह में ना जाए पैंट शर्ट वग़ैरह में जाए ताकि इंटरव्यू की इंटरव्यू जो बच्चा देने जाता है उसकी पर्सनैलिटी का भी अगले पे असर होता है नॉर्मली जो टर्किश लोग हैं वो जहाँ तक हमारी ऑब्जरवेशन है वो मतलब एक उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है तो आ, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं